सर कौन सी मूवी देख कर आ रहे हैं? सर कौन सी मूवी देख कर आ रहे हैं? गणपत। कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक थी, एवरेज थी। इसका जो एक्शन सीन है वो कितने कमजोर है? कुछ नहीं। डीएफएक्स? ना बिल्कुल नहीं। मतलब पैसा वसूल नहीं है? ना, बेस्ट है। कैसी लगी मूवी सर? खास नहीं है, इतनी अच्छी नहीं। मतलब जो सोच के आए थे तो वो नहीं है, वो नहीं है। जो ट्रेलर में था वो चीज नहीं थी, कहानी नहीं है, मतलब एंजॉय नहीं किया। सर कैसी लगी मूवी? भाई साहब बहुत ही बुरी मूवी है, सेकंड पार्ट तो देखने है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखा है ना, इससे बकवास तो जीवन में देखी ना कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बकवास, बेकार मूवी है, बिल्कुल बकवास। कैसी लगी मूवी? बढ़िया लगी। सर कैसी थी मूवी? एवरेज मूवी, बहुत बढ़िया लगी मूवी, बहुत बढ़िया। कैसी थी मूवी? सही सही थी। सर कैसी लगी? सही है। मैम कैसी थी मूवी? इसमें सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? भाई कोई चीज, कुछ स्टोरी थी नहीं, सारी स्टोरी पार्ट टू पे बेस्ड है, पार्ट वन में कुछ है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं। जो इसका बीएफएक्स है वो कितना मतलब बेकार है या अच्छा, क्या कह सकते हैं? एक मूवी आई थी रावण, 2009 में आई थी। सर कौन सर की? हाँ इससे अच्छी है वो, मतलब उस टाइम का बीएफएक्स इससे भी अच्छा था। हाँ। बाकी अमिताभ बच्चन सर हैं, उनकी उनका काम कितना अच्छा लगा? हाँ ठीक था, वो एक्टर हैं, अच्छे हैं, बढ़िया। और जैसे कि टाइगर श्रॉफ हर मूवी में उनका एक्शन ही एक्शन है, वही चल रहा है, एक्टिंग नहीं करते वो। एक्टिंग तो उनसे कह दो कि भाई तुम एक्टिंग रहने दो, एक्शन ही करे जाओ। हाँ। बाकी कीर्ति मैम का काम कैसा था? अच्छा वो भी ठीक है, बस स्टोरी का कुछ समझ। इन्होंने जो मतलब फ्यूचर को लेके मूवी बनाई कि यहाँ क्या फ्यूचर में है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा कुछ था या मतलब बीएफएक्स का भी कचरा कर दिया? ऐसा था पर स्टोरी जो थी वो पार्ट टू पे बेस्ड, अब पार्ट टू आएगा तब स्टोरी पता चलेगी ना, पार्ट वन में तो कुछ दिखाया ही नहीं, बस एक पार्ट टू के लिए भी पार्ट वन का चलना जरूरी है। जब पार्ट टू चलेगा ही नहीं, पार्ट वन चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो पार्ट टू कौन देखने जाएगा? तो ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी मतलब भूल है कि वो पार्ट टू के चक्कर में पार्ट वन खराब कर बैठे। हाँ यही है, ऐसा होता है कि पार्ट टू की जो स्टोरी है वो पार्ट वन में थोड़ी सी दिखाते तो हो सकता है पार्ट टू बढ़िया आता। जैसे मतलब KGF आई थी, उन्होंने टू के लिए भी छोड़ा और पार्ट वन को संभाल के भी रखा। ये तो इस बार डायरेक्टर साहब पूरी तरीके से फेल हो गए। सर आपको कैसी लगी मूवी? आ जाइए इधर, आ जाइए, आगे आ जाइए, अरे आ जाओ आगे, आ जाओ। तो सॉन्ग वगैरह कैसे मूवी के? नहीं खास नहीं, बस एवरेज था। मतलब आपके हिसाब से मूवी जिस हिसाब की मूवी है चलेगी नहीं? अंदर कोई आई नहीं, ऑडियंस भी नहीं है। आज रिलीज हुई है ना मूवी, मतलब एक टाइम पे टाइगर श्रॉफ की मूवी पे मतलब पूरी ऑडी फुल रहती थी। हाँ। आज तुम देख लो मुश्किल 10 लोग पूरे, सारे लोग भी नहीं थे पूरे थिएटर में, खाली था। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे सर? आउट ऑफ 5 5 में से कितने नंबर मिलेंगे? 2-1 बस। चलो थैंक यू सो मच सर, ठीक है। गणपत मूवी देख कर आने कैसी लगी? बेकार, बिल्कुल टट्टी मूवी। जैसा मतलब हाई एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदों पे मतलब खरी नहीं होती उस हिसाब से। सर टीजर तो बढ़िया था, मुझे लगा ट्रेलर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी, मूवी बढ़िया आएगी, लेकिन मूवी बहुत बेकार आएगी, बहुत ही बेकार। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि टीजर अच्छा कट जाता है मूवी खराब निकलती है, और कभी कभी टीजर खराब कट जाता है मूवी अच्छी निकल जाती है, तो इस बार उल्टा हो गया बिल्कुल। विकास बहल को काम ही करना नहीं आया जो डायरेक्टर है इसका, मतलब उन्होंने इस मूवी को क्या सोच के बनाया है? उन्होंने सोचा पता है क्या, कि पार्ट टू के चक्कर में पार्ट बेकार कर दिया बिल्कुल। मतलब उनका सारा फोकस पार्ट टू पे था, टू पे था, लेकिन अगर तब तक पहला बढ़िया नहीं दोगे तो दूसरा कैसा बढ़िया पसंद आएगा? पार्ट टू के लिए वही वाली बात आई, पार्ट टू के लिए पार्ट वन का चलना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, और क्या। जैसे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें पैसा भी अच्छा खासा लगा हुआ है, तो उस हिसाब की मूवी लग नहीं रही है। मूवी को जानी नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, ऑडियंस देख रहे हो आप 10-15 ऑडियंस बस। जैसे टाइगर श्रॉफ की मूवी थी एक टाइम पे हाउसफुल, और जैसे हीरोपंती पहली मूवी कुछ अच्छी थी, उसके बाद तो कोई मूवी एक्शन की भर पर आया, और वही जैसे सेम। बागी 2 और बागी 3 इधर आ जाइए, ऐसी फोर ले आएगा। तो मतलब इसमें कहानी वगैरह भी इतनी खास नहीं थी, सॉन्ग भी बढ़िया नहीं है, बीजीएम भी बढ़िया नहीं है, और इसमें कीर्ति मैम ने इस बार थोड़ा एक्शन किया तो वो कितना अच्छा लगा? और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली है, पता नहीं उनसे भी इस बार पता नहीं क्या हो गया उसमें दोनों में से। और जैसे इस मूवी को सारा अधिकतर जहाँ तक मेरा मानना है कि सारी मूवी बीएफएक्स पे शूट की गई है, सारी बीएफएक्स, तो इसका जो लोकेशन वगैरह है वो सारी ढक दी है बीएफएक्स से, तो वो कितनी ज़्यादा खराब है, कितनी ज़्यादा एडिटिंग लगी? बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर दी उसमें, बहुत ज़्यादा बेकार लगी रही है। और इसमें बोर वगैरह कितने हुए कि हाँ भाई बोर हो गए, या आसानी से इस मूवी को देख सकते हैं? मतलब थोड़ी बहुत सही चल रही थी, फिर बेकार, फिर थोड़ी सही चल रही, फिर बेकार ही बेकार बेकार। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर मूवी देखने आ रहे हो आप तो अपना दिमाग घर छोड़ के आए, और क्या बिल्कुल। या मतलब टाइगर सर के बिगेस्ट फैन है तो ही आ सकते हैं भैया, मुझे लगा
मुझे लगा टाइगर नाम सुन के सलमान खान होगा, लेकिन टाइगर श्रॉफ देख ला, इतनी बेकार मूवी है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 0। थैंक यू सो मच। हेलो सर, गणपत मूवी देख कर रहे हैं, कैसी लगी? भाई मेरा चेहरा देख के नहीं लग रहा तुम्हें, टट्टी मूवी थी, बिल्कुल टट्टी मूवी भाई, टट्टी मूवी थी बिल्कुल, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे पैसे बेकार हो गए। इसके जो डायरेक्टर है कौन है वो भाई? भाई टिकट के पैसे वापस चाहिए, पैसे वापस चाहिए भाई मेरे को। एक्शन सीन कैसे थे? बिल्कुल बेकार है यार, इतनी बुरी मूवी है भाई, बिल्कुल मन नहीं करा यार, बीच में छोड़ कर आ जाऊँ मूवी को। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? स्टार इसका 0। थैंक यू सो मच सर, वेलकम।